वन ऑफ द बेस्ट अवर इनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट मैक्सवेल वाई ही एक ही टांग पे एक ही टांग पे खेलते हुए अपनी टीम के सामने क्यों लिखवा गया और अफगानिस्तान का ये जो मैच था वो मैच वो अपनी तरफ ऐसे खींच के ले गया कि सारी कोशिशों के बावजूद सारी कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान ये मैच नहीं जीत पाया और 200 सौ रन चेज में वह क्या कहना और 200 रन की पार्टनरशिप में जो दूसरा बंदा भाई साहब बारह रन है बारह रन किए हैं कमिंस ने 200 प्लस की पार्टनरशिप में इतना जारहाना इतना बेहतरीन इतनी शानदार इनिंग्स ये गोल्डन रूप से रूप से लिखी जाएगी जब भी ओडियाई क्रिकेट की तारीख लिखी जाएगी इतनी लाजवाब इनिंग्स इतनी बेहतरीन इनिंग्स सारे अल्फाज खत्म हो जाएंगे सारे अल्फाज खत्म हो जाएंगे इतनी शानदार इनिंग्स है कि कोई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हालांकि वो आपको पता है इंजर्ड था भाग नहीं सकता था बेचारा चार्ली चैप्टन की तरह भाग रहा था और बीच में उसने इतने ज्यादा सिंगल्स छोड़े नहीं ले सकता था लेकिन उसने कहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट बॉल्स टू हंड्रेड एंड वन रन नॉट आउट इक्नवे पे सात आउट थे किस्मत उसका साथ दे गई बैटिंग करने जब आया तो बॉल थी मोहसन भाई हैट्रिक बॉल पे बैटिंग करने आया और वो भी बड़ा क्लोज एक साइड पे आज लग के बचा फिर मुजीब साहब ने मुंह से जो कैच पकड़ने की कोशिश की अपनी टीम को मरवा गया इतना आसान कैच इसलिए कहते हैं ये फील्डिंग जो है ना ये बहुत एक क्रिकेट में इसका बुनियादी किरदार है रूख का किरदार है बिल्कुल डॉली कैच छोड़ दिया और अपनी टीम को मरवा दिया इसीलिए जिन टीमों में भी हल्के फुल्के से कोई ऐसे फील्डर हैं वो बड़ा कॉस्ट कर सकते हैं और आपके सामने ही है ये और किस्मत उसके साथ थी एल अंपायर डब्ल्यू ने आउट दिया जब ये देख रहा था कि पिच भी लाइन लगी है ही स्टार्टेड वॉकिंग ये लेग अंपायर के पास पहुंच चुका था जब इसने देखा कि जनाब ये हल्का सा ऊपर चली गई है और लिखा आ गया है कि यस इट इज मिसिंग ही केम बैक फ्रॉम देर और उसके बाद मुजीब वाला कैच छूटा और एक राशिद की गेंद पे भी कैच गया लेकिन थोड़ा सा दूर गिरा और एंड पे पे डाइंग मोमेंट नवीन के भी हाथ से पार निकल गया तो कंफर्म हो गया कि इट वाज मैक्सवेल्स डे एंड ही विल विन द मैच फॉर ऑस्ट्रेलिया ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने कि 200 सौ रन की पार्टनरशिप है दूसरे बंदे के बारह रन है सिर्फ बारह एक डजन और उस बंदे ने अपना जाति दो कर लिया दो सौ एक रन नॉट आउट है इसी वर्ल्ड कप में पहले भी 40 गेंदों पे 100 करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है वर्ल्ड कप का और आज देखिए बिल्कुल एक हारा हुआ मैच अफगानिस्तान के फैंस देवर इंजॉइंग डग आउट पर जब कैमरा पड़ रहा था देवर जंपिंग सारे प्लेयर्स देवर एक्साइटेड जनाब हमने पांच दफा के वर्ल्ड चैंपियन जाइंट को आज गिरा लिया आज हम किलर बन गए लेकिन इट्स नॉट ओवर इट्स ओवर। एंड मैक्सवेल हैज वंस अगेन टुडे जनाब क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है सात आउट थे इक्नवे पे कितने लोग चांस दे रहे थे वहां से ऐसा मैच निकालना अब क्रिकेट कौन करे ऐसा प्रडिक्टानवे पे सात आउट है कोई कह सकता था वहां से मैच जीतेगा वहां से मैच जीतेगा तो भाई उस से मैच लेके निकल गए और अपनी टीम को सेमीफाइनल का लिखा हुआ मिल गया अफगानिस्तान दे मस्ट बी किकिंग के गोल्डन अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये वाला मैच निकाल लेते बड़े मार्जिन से अगला मैच जीतते डायरेक्ट सेमीफाइनल में बट अपॉर्चुनिटी मिस्ड मैक्स अपनी टीम को भी ले गया सेमीफाइनल में और आज की हार के बाद अफगानिस्तान का भी पत्ता

देखे अनरियलिस्टिक ये इंसान कर ही नहीं सकता और ये जो कह रहे हैं मुजीब ने क्या छोड़ दिया इधर गिर गया एल डब्ल्यू हो गया वो एच से बच कि यार सबको लाइफ मिलती है सबको चांस मिलते हैं जो जीता सही सही वन मैन आर्मी अगर आप मुझसे ईमानदारी से, से पूछें कि इक्यानवे पे सात पे से आ, ये मोहसन साहब मैच कैसे अफगानिस्तान निकाल के ले गया ऑस्ट्रेलिया ले गया एक बंदा है शायद भाई ये नवीन उल के ओवर उसने अगले मैच में पांच और बयालीसवे ओवर में उमर सही को लेकर आया तो भाई ये देखे ये कैच छूट गया ये इधर गिर गया एक लात पे है उसको जरूरत ही नहीं दूसरी लात की उसके बैट में इतनी ताकत है इतनी जान है उसको खुद पे इतना अतमाद है देखो अड़सठ बॉले सिक्सटी एट बॉल्स ट्वेल्व रन 68 balls, 12 runs. कोई माई का लाल की इनिंग्स को अगर आज तारीफ ना करे तो उसको क्रिकेट का छनकड़ा नहीं पता भाई अगले दिन अड़सठ बाले के, के तू मार एक बाउंड्री भी है अड़सठ बालों में तू मार भाई उसको पता है ये मारता रहेगा मैं खड़ा रहा दो सौ दो रन की पार्टनरशिप में बारह रन की कंट्रीब्यूशन है कमिन्स की मैक्सवेल द चैंपियन द मैंटैलिटी देखे इसीलिए कहते हैं है, अफगान जिले हालांकिस्तान टू विम्पल इज दैट सुबह की जो भी थी आप देख लो दो सौ इक्यानवे रन यहां थे कोई दुनिया की टीम होती कोई भी टीम होती इक्नवे में सात आउट हो जाए एक ऑलराउंडर खेल रहा हूं और वो ऑलराउंडर जो दस में से एक मैच में चलता है बॉलिंग बॉलिंग ऑलराउंडर जो एक मैच में चलता है उस ऑलराउंडर ने 201 सौ बना के इनकी खटिया खड़ी की मैं समझता हूं ओनली वन पर्सन इज रिस्पांसिबल एंड दैट इज मिस्टर शाह ये अगर ढाई साढ़े तीन भी होते ना जैसे मैक्सवेल खेल रहा था ये शायद दो बाले पहले अभी तो आपने देखा है ना उन्नीस बाले पहले ये शायद दस बॉलें आठ बॉलें सात बॉलें पहले खत्म कर देता शायदी की कप्तानी हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इंतहा घट गया है ओ भाई मेरे तूने दस ओवर उसके अब्बा को अपने भेजने हैं या अम्मा को भेजने हैं उन दस ओवरों का करना क्या था ये दस ओवर अगर उमर सही गस गस, गस बॉल स्विंग कर रहा था नवीन हक का बॉल समझ में नहीं आ रहा था इसने यू आउट होना था मैक्सवेल ने और ये डेढ़ रन से कम अज कम अफगानिस्तान जीत जाता ओनली टू परसन आर रिस्पॉन्स एक मैक्सवेल जो इनके गले में हाथ डाल के मैच ले गया देखी क्या जैसी क्रिकेट अफगानिस्तान खेला दे डिजर्व टू बी दट टूडे आफ्टर दिस लॉस दे आर मेंटली ये वारक हो गए हैं देखें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग एक हल्की थी इनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी थी ना नूर विकेट ले सका दो ओवरों में बीस दे गया नबी और इतनी शानदार नवीन ने ऊपर से उमर से ने ऊपर से राशिद ने अपना पूरा दिल लगा दिया दो विकटे ले गया दो ले गया उमर जई दो ले गया अपना क्या नाम है वो नवीन एक रन आउट जहां पे देखे सात विकटे गिर जाए आप दस में से नौ दफा ऑस्ट्रेलिया आ रहेगा दस में से ऑस्ट्रेलिया नौ दफा हरेगा उल्टा हो गया ये तो ड्रामा नहीं करता no. ये तो सीधा प्ले वो आया अंदर इसने कहा जाओ वापस no. खेलूंगा तो ये भाई मैं ये मेंटालिटी में में किसी टीम में नहीं है देखो दोस्तों बॉल बाय बॉल आपने भी मैच देखा होगा अ मैच दैट वाज शुरू के ओवर्स में गज गज गेंद खेला नहीं जा रहा ऐसी ऐसी स्विंग बॉलिंग सेम बॉलिंग यार उमर सही मैग्रा बना हुआ ये नवीन भुमरा बना हुआ शुरू के ओवर्स निकले हैं और उसके बाद आप दोस्तों से मैंने एक मिड इनिंग्स में बात कही थी दे विल मिस दे विल मिस फारूकी को आज का मैच इन्होंने बेंच में बिठा के इन्होंने अपने साथ ज्यादती की ये किस तरह के एंगल में आपको लग रहा है एक्सपीरियंस के लिए है, है पिच आपने फारूकी को बाहर बिठाया फारूकी बहुत अच्छा बॉलर था जिस तरह की शुरू में वो ले करता ये हो जाते सही बात उमर जही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का बॉलर नहीं है वो नहीं खेला जा रहा था वार्नर को बोल्ड किया और बोल्ड होने से पहले भी कैसे उसको बीट कर रहा था पूरा ओवर मेडन किया जो आप इन तीनों में फारूकी है नवीन है और साथ में उमर जही है अब पोल करवा लें तीनों में से सबसे बेहतरीन फास्ट फास्ट बॉलर बॉलर कौन है फारूकी फारूकी सबसे बेहतरीन सच उसको इन्होंने आज बाहर बिठाए रखा आज उसका दिन था यह चिनाई में मैच नहीं है कि आपने चार स्पिनर डाल दी यह मैच है मुंबई में तो लेकिन तो रैंक टर्नर बनेगी वो किधर कितने कोई रैंक टर्नर नहीं मेड इनिंग में आपसे बोला था कि ये मैच में मिस करेंगे ये फारूकी को और फारूकी को मिस किया गया किया गया भाई साहब बहुत किया और अगर शुरू में फिर भी जीत जाते भी। रहे। पे... रहे। तो इन्होंने बड़ा मिस किया एक और फास्ट बॉलर फारूक अच्छा पांच दफा का चैंपियन आज बेम्बूल हो जाता पांच दफा का तो वही बात है कि जो जीता वही सिकंदर तो मोहसिन भाई ऐसा नहीं देखा जाता कि शुरू में कौन तेज भागा ये बात सही है मैं मानता हूँ शुरू में कौन तेज भागा है ये नहीं देखा जाता एफ फिनिश किसने पहले किया वो दे बात देखी जाए सौ इक्यानवे रन इस पोजीशन में मैं कहता हूं दस में से नौ दफा ऑस्ट्रेलिया हार जाता कि 91 पे सात आउट हो जाएं ये कप्तान गधा है इनका नामकूल है इसको पता कुछ नहीं अबे दस ओवर उन दोनों के पड़े हैं तू इंतजार किस चीज का कर रहा था वाई यू आर वेटिंग फॉर कभी एक को लगा रहा दूसरे का बयालीसवें ओवर में उमर जही को लाया बयालीसवे ओवर में जब मैच मैक्स अच्छा उधर मैक्सवेल आउट भी हो जाता ना ये कमिंस और जिता देते जैम्पावुड की भी जरूरत ना आती वहां तक पहुंचा देखे ऑस्ट्रेलिया को सबसे खतरनाक टीम ये साउथ अफ्रीका होती ना यहाँ वो 120 पे बीस में लंबी डाल एक सौ बीस पे भाई किसी के पास ऐसी टेल में वो कमिंस की इनिंग्स को जितना उसकी भी तारीफ करें कम है टेल अंडर अगर वो अपना बल्ला रोक ले यही बड़ी बात है सही बात है अगर उसने देखा ना ये मार रहा है टक टक मार है वाले टेल एंडर्स ये पाकिस्तान वाले ये चार चार पांच पांच ओवर दस दस जबर पहले आउट होने वाले सीखें सीखे वर्ल्ड कप है सीखें माई बोरिंग मैच है ओडीआई के ओडीआई फारक है बॉल सफेद देते हैं बॉल पीछे निकाल देते हैं आज क्या पहले अफगानिस्तान को इंडिया ने वो वाला बाल दिया फिर वापस ले लिया यार तारीफ करना सीखे अगर एक आर्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन बॉलर तो यू हैव टू अप्रिशिएट देम रादर देन हैविंग दिस एंड दैट आपके अंदर जो आग लगी हुई है उन आगों को निकाले छूट ना बोले आज, आज देखें इस वर्ल्ड कप ने जिस तरह तो तमाशाई मैच किसका है अफगानिस्तान का चलो इंडिया स्पोर्ट कर पाकिस्तान को भी कर रहा है लेकिन आप देखें इतना मैक्सवेल को भी सपोर्ट मिला है क्या लग रहा है ऐसे तो जैसे ये इंडियन कोई बैट्समैन खेल रहा है रहा ये अब ये बहुत बदयान भी होती कि एक बंदा इस तरह की स्टेज से 200 कर रहा है उसको अप्रिशिएट ना किया जाता हैट्स ऑफ तो टू ग्राउंड बिल्कुल जब सात आउट हुए अफगानिस्तान की तारीफ कर रहे हैं शाबाशी दे रहे हैं जब वहां से यह बंदा ले गया दो बना गया मैच विनिंग दो 200 दुनिया क्रिकेट में पहले भी बहुत बने हुए लेकिन ऐसा चेज में इस पोजीशन से यह पता नहीं अब कभी बनेगा कि नहीं बनेगा भाई ये वाला दो सौ है हमेशा याद रखा जाएगा हमेशा याद रखा जाएगा सही बात। और भास्कर साहब ने कहा मेरा ख्याल था जमान की सबसे बेस्ट इनिंग है, है खत्म कप तो छोड़ें क्रिकेट की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन इनिंग्स में से एक थी सही बात है और ऐसी पता नहीं कब कभी देखने को मिलेगी कि नहीं शायद 91 पे सात आउट एंड टीम डाउन एंड आउट सही बात है और टोटल करना 292 वहां से जाकर यह मैक्सवेल तो ऐसी इनिंग खेली फिर तो यहाँ पे तो बस ओवर 200 कह लेने दें कि तीन विकेट दो पे आउट थी यही पीला रंग था तो इस पीले रंग को अगर किसी ने नीला किया या अगर कोई इनके जबड़ों से, से मैच ले गया तो फिर वो इंडिया था आपको ये भी मानना पड़ेगा इस पोजीशन से ऑस्ट्रेलिया नहीं हारता तो फिर ये इंडिया के बैट्समैनों को आपको चाहे वो राहुल था चाहे वो विराट कोहली था फिर मानना पड़ेगा कि इस एटीट्यूड का आग का मुकाबला आग से किया जाता है फायर का मुकाबला फायर से किया जाता है तो इसका मतलब है जो पहला मैच हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तो इस ऑस्ट्रेलिया को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो फिर वो इंडिया ही था तो देखो दोस्तों अफगानिस्तान बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेला पूरे वर्ल्ड कप में आज भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन खेली क्रिकेट मैक्सवेल है मैंने आपसे अभी आपसे एक बात कर दी दुनिया क्रिकेट की 200 पहले भी बहुत आए लेकिन ऐसा 200 कभी नहीं आया ऐसा स्टेज से 200 200 की पार्टनरशिप है अगले बंदे के बारह रन अकेला ही लगा रहा चौके छक्के छक्के चौके ये बॉलर एक बॉल अंदर नहीं कर सके उसने मार मार के मार मार के मार मार के एक लाख पे पूरा मैच लेट ले तो जिस इनिंग्स को किंग कोहली कह रहा है वट नॉक तो फिर आप समझ जाएंगे नॉक सही बात भाई किंग कोहली जिसकी अप्रिशिएट में मैच देख से इंस्टाग्राम पे डाला अ नॉक तो फिर बाकी क्या रहा है क्या भाई ऐसा नॉक फिर पता नहीं कभी ऐसी इनिंग्स देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी शायद ना वन ऑफ इट्स काइंड रेयर ब्रीड ये मैक्सवेल रेयर ब्रीड है सौ देख ले कितने सौ है इसके पांच सात सौ होंगे तीन चार पांच सौ होंगे ओडीआई में लेकिन पोटेंशियल टू डू दिस जो कि बहुत ही कम लोगों में बहुत ही कम लोगों में यह पोटेंशियल मौजूद है और जिसने भी प्लानिंग की है वो कसूरवार है फारूकी को बाहर बिठाए रखा है स्पिनर्स उसको फील्ड कराते रहे बॉलिंग करवाते रहे वो जना मजे से खेलता रहा तो स्पिनर्स को उसके सामने लगा रहे थे मैक्सवेल को एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कार्नेज कुदरत का निजाम इक्वल टू मैक्सवेल जी सत्या साहब आपकी बात तो जिस तरफ इशारा है बिल्कुल सही बात है अब अफगानिस्तान का जैसे मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था पहले न्यूजीलैंड फिर पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान अफगानिस्तान का एक ही चांस है न्यूजीलैंड का रेड आउट हो जाए पाकिस्तान हार जाए और, जीते और ये साउथ अफ्रीका को हरा दे ये आखिरी चांस है इनका लेकिन आज जिस तरह ये आ रहे हैं बुरैल ऊपर लाना चाहे हाँ। जडेजा हो चाहे वो तो ट्रॉट हो चाहे सचिन तेंडुलकर जी जडेजा जब साठ रन रहते थे जडेजा निकल के आ गया नीचे बाउंड्री पे खड़ा हुआ मशवरे दे रहा है लेकिन आज मैक्सवेल ने कहा जो मशवरे देने दे रहे मशवरे ही दे सकता जो भी मशवरे देने दे दो टुडे इज माय डे किसी से ये बार बार पर्चिया भेज रहे थे ये बार बार ऑस्ट्रेलियन भेज रहे थे किसी ने नहीं कहा शादी और उमर शादी साहब उमर सही नवीन है नवीन और उमर सही है किसी ने नहीं ये अवर पूरा करा रहा था राशि नूर नबी अवर पूरा करा रहा था और अफगानिस्तान ने इस मैच में भी जितनी एप्रिशिएशन बटोरी थी अंटिल दैट मोमेंट 91 फॉर सेवन और सब पे पानी फिर सही बात है पानी सब पे पानी फिर गया सारे अपने आवाज इतनी उम्मीद दिला के वहां से हार जाना मैक्सवेल की जितनी भी आज आप साल तक तारीफ करते अल्फाज़ कम पड़ जाएंगे ऐसी नींद नहीं मिलेगी राजा क्या, 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 क्या भाई क्या आशीष भट्ट का मैसेज है अशीश बट, मैसे उसके अलावा जय श्री गंजन साहब है सल्यूट टू मैक्सवेल बट अफगानिस्तान आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लॉस ड्रॉप कैच मैक्सवेल इज नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली नो यॉर्कर यॉर्कर उसने नवीन ने दो चार मारे हैं उसने रोक लिया लेकिन यॉर्कर यॉर्प तो अब... लेट हो गया ना यॉर्कर अब बहुत लेट हो गया था काम तो आप इन्होंने गलती की ना फारूकी जैसे बॉलर को बाहर रखा है वो एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी आ चुका है बाकी जी ड्रॉप कैचेस नो एक्सक्यूज बिल्कुल डॉली कैच है ये डॉली से भी आसान है वो मुंह से आपने कहा मुझे तो लगता है वो पिछवाड़े से भी पकड़ लेता ऐसा कैच छोड़ा है कि मैच छोड़ दिया सही बात है। टाइम किसी के गुमान में भी नहीं होगा खेल ही ऐसे आउट होने के लिए खेल रहा है वो तो कभी क्या कभी क्या लेकिन जो वो कैच छूटा तो उसके बाद उसने मुड़ के नहीं देखा बाद बात में उसने चांस ही नहीं दिया प्रॉपर जो ठीक ठाक चांस होता है कोई चांस नहीं दिया एक टांग पे अगला मैच लेके निकल गया एक टांग पे खड़ा हो के वो चौके छक्के बहुत अच्छा देखें आपने चले गली मोहल्ले में क्रिकेट खेली है या क्लब लेवल पे खेली है बंदे की एक टांग काम ना कर रहा हो सही शॉट ही नहीं लगती क्रिकेट का काम में फुटवर्क का बड़ा काम होता है आप अपनी टांगों पे वजन डालते हैं बॉडी की मूवमेंट होती है ये टेनिस बॉल नहीं है बॉडी की मूवमेंट होती है पावर जनरेट करने में आपकी बॉडी का एलिमेंट जो एक पाव है उनका बड़ा रोल होता बिल्कुल है लेकिन आपने देखा वेट है लेकिन भाई उसके बावजूद भी उसने मुड़ के नहीं देखा उसने कहा चाहे एक टांग है आधी टांग है मैं यहां से मैच नहीं जाने दूंगा ऐसा मैच भाई जान नहीं देखा कभी बॉलिंग को क्रेडिट जाता है अभी इनके रिजवान साहब सवा सो रन नहीं थे समा सो नहीं थे उसने कहा ये मैक्सवेल मैच जितवाएगा और फिर मैक्सवेल ने मैच जितवाया लेकिन मैं अब भी कहता हूं फरूकी नहीं था ये नहीं था वो नहीं था सारी बातें पे जो नहीं था वो नहीं था शहदी साहब की कप्तानी पहले उनकी बैटिंग चले लानत भेजे दो सौ इक्यानवे रन मिल गए थे इक्यानवे पे सात आउट थे वो दस ओवर जो थे उमर से और नवीन के वो क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो पंद्रह पंद्रह ओवर करने थे उन्होंने ये वहां से देखे कैच छूट जाते हैं रन आउट आ, ऐसे में बंदे के हाथ भूल जाते हैं मान लिया बाहर जो इतने ब्रेन हम इतनी तारीफे कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में क्यों बाहर से किसी ने चिटनी भेजी इस इन इसी को कबेजा तो उतर के मैदान में आ गया था तो जब आया जडेजा जडेजाउट हो गया का। अभी सत्तर रहते थे, जडेजा तो नीचे उतर के रन पे जडेजा आ गया था मैदान में कुछ दे रहा था लेकिन उसने बोल नहीं भाई डे इट टू लेट भाई साठ मैं कहता हूँ चालीस पे मैक्सवेल आउट हो जाता तो ये मैच वहां से बात ये है कि जिस वक्त आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं ना फिर

जाते हैं। ने कुछ जान के तो नहीं छोड़ा वो ऐसे ही फील्डर है, है। अक्सर बाकी देखिये बात आपकी सही है अभी मैंने कुछ लम्हा पहले यह कहा कि जितनी एप्रिसिएशन जितनी तारीफ जितनी वाह वाह शाबाशी इन्होंने बटोरी इक्नवे पे सात आउट थे दो सौ इक्यानवे खुद बोर्ड पे लगाए हुए थे वो सब पे पानी फेर दिया वहां से एक विकेट और नहीं ले पाए और पूरा चेस करवा दिया दो सो कर गया बंदा दो सो एक टांग पे खड़े होके वन ऑफ द बेस्ट एवर इनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट वो खेल के निकल गया पर मोस्ट वाइटल इनिंग्स मोस्ट वाइटल इनिंग्स जिंदगी में नाम देखे मोस्ट वाइटल इनिंग्स 200 चाराँ? देखे हैं बहुत और भी किए हुए लोगों ने लेकिन चेंज में 200 और वो भी इस पोजीशन से 200 वो भी वर्ल्ड कप के मैच में वाह क्या कहना बाकी अफगानिस्तान बड़ी इंप्रूव टीम है अच्छी टीम है लेकिन की मोमेंट पे फील्डिंग को फील्डिंग का मैार भी जो है वो अच्छा नहीं है और कुछ फैसले और भी अच्छे हो सकते थे दे कैप्ट फीडिंग हिम स्पिनर 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 एंड ही कैप्ट चार्जिंग दम एक घाट से चौका आशीष भट्ट साहब है उसके अलावा अंकुर आ, दाता साहब है अफगान भी लाइक हाथ को आया मुंह को ना लगा सही बिल्कुल हाँ। ये ऐसे है बिल्कुल ऐसे ही है इनिंग्स फॉर द एजेस बेस्ट आई हैव हैव एवर एवर सीन सीन ये मैं भी कि बेस्ट आई तो अली मलिक साहब नॉट ओनली यू नॉट ओनली हिम नॉट ओनली ऐसी बिल्कुल बेस्ट एवर इनिंग का अवार्ड दे दें मैक्सवेल को इतनी शानदार इनिंग खेल के गया अच्छा जी वॉट अ मैच दिसम टूडे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बिल्कुल सही बात Traveling back home now, Afghanistan were crowd favorites, but Maxwell made people switch the side. ये बात सच अच्छा है। ये रिजवान साहब ने अभी कुछ पांच सात मिनट पहले एक्सेक्ट जब मैंने क्राउड की बात की तो उन्होंने कहा भाई मैक्सवेल ने जो किया तो ये बनता था तो क्राउड क्राउड बायस नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात थी कि मैं अफगानिस्तान वाज ने ए रोल सारे उस और मैं आपको बताऊं हजारों मैसेज आ रहे थे मैं आपको बताऊं कि इतनी सपोर्ट अफगानिस्तान को थी लेकिन उनका कप्तान पता नहीं क्या ब्रेन फेड था विष्णु जी, विष्णु जी आप अपने बच्चों को और उनके बच्चों को बताएंगे कि जब एक पार्टनरशिप लगी थी हुई है तो मैं वही इक्यानवे पे सात आउट थे टीम कर रही थी चेस दो सो बानवे और एक बंदा वहां पे 200 कर गया और उसका जो पार्टनर था उसने सिर्फ 12 रन किए थे और 10 छक्के इक्कीस चौके मारे थे तो आपका दादा जान मौजूद तो एक बंदा आप... एक सौ अट्ठाईस दो सौ कर रहा तो एक बंदा अड़सठ बालों में बारह कर रहा तो आप उनको बताना कि आपके दादा जान ने वो मैच और उन्नीस बाले पहले जीत भी गए क्यूँके पे सात आउट थे क्योंकि शायद ही कोई ऐसा मैच कोई और हो तब तक नहीं होता जब तक आप बूढ़े होंगे सही बात <laughs> तो आप अपने बच्चों को और उनके बच्चों को बता सकते हैं कि मैं उस मैदान में मौजूद था ये देखिए आप तो कंफर्म हो गया मैं वहां पे मौजूद था कंफर्म हो गया साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल इट इज नाउ स्टैंड हाँ तो आप बता आप सकते हैं क्या सोच ले। ऐसा बेहतरीन मैच आप दुआ करें लेकिन मैक्सवेल की इनिंग्स एक ही आती है ईश्वर अल्लाह बाबा नायक सब चाहते हैं कि पाकिस्तान <laughs> अक्षय कुमार साहब देखें कुदरत का निजाम तो उसी तरफ ही जा रहा तो है बिल्कुल अब परसों वाला देखो मैच का क्या नतीजा होता है श्रीलंक और न्यूजीलैंड वाला बारिश के बड़े इम्कान है बेंगलुरु में मैंने आज एक दो दिन में तो बहुत बारिश हुई इतनी पानी है रोडों पे उस दिन का पता नहीं है अगर दो बातें या तो श्रीलंका अगर जीत जाता है तो बात ही खत्म है अगर एक एक पॉइंट मिल जाता है तो फिर बहुत रोशन इम्कान हो जाएंगे देन पाकिस्तान अब इस पोजिशन में है कि दे जस्ट नीड टू बीट इंग्लैंड अगर यह सिनेरियो हो जाता है जो मैंने आपको भी बताया हाँ अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो न्यूजीलैंड अभी भी फेवरेट है आगे जाने के लिए अफगानिस्तान के फैंस के लिए सॉरी लेकिन मैं आपसे पहले भी कह रहा था आज का मैच तो आप किसी सूरत हारना ही नहीं चाहिए था आपको इक्यानवे पे सात आउट वहां से मैच दे दिया आपने तो दो मैचेस थे एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका दोनों में से आपको एक दोनों जीते दो तो बिल्कुल ही चले जाते नो इफ एन नो बट अभी भी एक मैच बाकी है अब अफगानिस्तान के फैंस उम्मीद लगाएं कि वो अगला मैच जीत जाएं और फिर वो होप करें कि न्यूजीलैंड भी अपना मैच ना जीते और पाकिस्तान भी अपना मैच ना जीते फिर अफगानिस्तान आगे पाकिस्तान की टीम नहीं थी ना ना ये इंग्लैंड की टीम थी ना ये नीदरलैंड था ना ये श्रीलंका था ये ऑस्ट्रेलिया था दैट इज वाई दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस एंड नेवर से डाई देखे मैंने आपको मिडनी में कहा ये अगर ऊपर से विकटे ले गए वुड बी आ

The best knock ever played without any ifs and buts. ये ठीक है बिल्कुल सही बात ये है। ये बात सही है देखिए कोई कैच कर रहा है ये हो रहा है वो ये बकवास है ये बात catch. सही है जाहिर लोग बेस्ट बेस्ट इनिंग्स है कैच छोड़े तो उसने और मैच विनिंग मैच विनिंग कॉज है मैंने मेरी लाइफ में ऐसी अच्छी बैटिंग नहीं देखी रणवीर सिंह साहब आपकी लाइफ कितनी है पहले इन्होंने भी नहीं देखी है मैंने नहीं देखी है तिरपन साल में और मैंने अभी वो भाई ने बोला मैं स्टेडियम से बाहर आ रहा हूँ मैंने कहा तुम अपने बच्चों बच्चों को को और उनके बच्चों को भी आप बताओगे सही बात है कि जब ये इनिंग्स खेली गई थी मैं वहां पे मौजूद पार्ट ऑफ दैट हिस्टोरिक मोमेंट और दैट हिस्टोरिक इनिंग्स और साथ में बताना कि एक बंदे ने 200 किया और साथ जो मौजूद था बारह किए तो बच्चे आप पता नहीं गूगल या क्या होगा तब वो लोग चेक करेंगे या सही कह रहे हैं हमारे दादा दादाजा

भाई हमें एक चीज लग रही है हम कह रहे हैं अभी इंग्लैंड आई थी ऑस्ट्रेलिया हमने इंग्लैंड हालांकि इंडिया इंग्लैंड रेटल्ड दी इससे पहले आई ये पिछले, में रिजवान साहब ने इंग्लैंड रखी मैंने ऑस्ट्रेलिया रखी थी इसमें देखिए ये कोई नहीं होता ये सिर्फ हेल्थी कंपटीशन के लिए ऑस्ट्रेलियंस हम ये मानते हैं कि उनके अंदर जो चिप है वो चिप ये है कि हमने हार नहीं मानी ये हम मानते हैं सही बात है जी और और मुझे इनका यकीन था रिजवान साहब कि ये एक दफा इनको स्निफ आ जाए। ये नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते बिल्कुल जी और ऐसी इनिंग जनाब अनबिलीवेबल निशांक गुप्ता करे जनाब ऐसी इनिंग्स कपिल देव ने भी कभी थी पचहत्तर रन की देखें 25 पे पांच आउट थे वर्ल्ड कप ही 2 1983 वो वो भी वन ऑफ द बेस्ट नो डाउट अबाउट इट 175 रन्स और वो जाके लेकिन देखें चेज में ऐसी इनिंग वो पहले बैटिंग करते हुए बहुत बेहतरीन शानदार एक तो ये रन्स भी उससे ज्यादा है और दूसरा चेज में चेज का एक अपना प्रेशर होता है 200 चेज में करना ये बहुत बड़ी बात है और जिस पोजीशन से किया है वो भी आपके सामने है

मुल्क को गाली देगा फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अब आप बताएं आपको कोई यहाँ लिखेगा यू इतने लोग मुझे आपके हवाले से मैसेज भेजते हैं मैं कभी नहीं कह मैं कहता यार ये बंदा दिल का बड़ा अच्छा है अपने मुल्क के साथ लायल ला। है अभी मैं यहाँ कह दू यू आर एक्सपोज आप तो दस परसेंट जांच दे रहे थे ये दस परसेंट जाँच अतर अफगानिस्तान का ईमानदारी से बताए हारा है वो लेकिन क्या ये दस परसेंट जांच दार समीर साहब आप मत किए करें मेरे शो पे आप गलत फहमी का शिकार है नेवर डू अ कमेंट ऑन माय शो आई डोंट वांट दिस अगर आप मेरी माँ बहन को कोई गाली दे रहा है कोई बकवास कर रहा है और आप कहें कि मैं उसके बारे में खामोश रहूंगा ये रिजवान साहब का चैनल है मैं बहुत लिहाज करता हूँ कि नहीं यार इनको नुकसान ना हो जाए वरना मैं किसी की बकवास नहीं सुनता नहीं, नहीं, लिहाज करना चाहिए यार ये आ... माओ बहनों की बातें कर बहनों यहाँ पे ब्लॉकेट लगा आपके सामने तो तो क्या बात कर रहा था बाकी ब्लॉकेट लगाया हुआ है और ये जाहिर है कि इस तरह की जो मैसेज है कोई आता भी नहीं है कोई आ जाए तो मैंने इस तरह के अल्फाज पे सारा ब्लॉकेट लगाया हुआ वो बस वो जिस तरह का कोई आ गया था वो मैसेज थोड़ा इन्होंने बोल दिया थोड़ा उधर से बात हो गई बट एनी वेज वी लाइक इट जब आप पार्टिसिपेट करते हैं अपनी कॉमेंट करते हैं कोई बातचीत करते हैं अच्छा शुगल मेरा लगता है तो आप भी मेच्योर इंसान है इस बात को इतना दिल पे मत लगाइए कार्तिक चौधरी साहब कहते हैं आप ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पांच दफा की चैंपियन ऐसे ही नहीं बन गई दुनिया में जितने कॉन्टिनेंट है जहां पर क्रिकेट खेली जाती है हर जगह में ये चैंपियन बने ये अब आप आपके सामने ही है इंडिया में चैंपियन बन गए एशिया में ऑस्ट्रेलिया में पंद्रह में जीते हुए और ये बाकी यूरोप में जीते हुए फिर उधर अफ्रीका में जीते हुए वेस्ट इंडीज़ में भी जीते हुए तो जितनी जगहों पर वर्ल्ड कप क्रिकेट खेली जाती है पांच कॉन्टिनेंट पांच दफ़ा चैंपियन बने तो ये बिल्कुल हल्की टीम नहीं है ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन इनका जो एटीट्यूड है ना कभी भी हार नहीं मानने का ये बड़ा एक बेहतरीन और ये ऐसा नहीं है कि अभी हुआ ये ओवर दर्ज हम देख रहे हैं इनकी टीम में ये जो दम है ये कि हार नहीं माननी एंड तक ये बहुत कम टीमों में ये चीज पाई जाती है और ये जाहिर टीम में देखा आउट सही बात More सही बात इनिंग्स ऑफ सेंचुरी ऐसा बोल दें बिल्कुल ओडिया क्रिकेट की हिस्ट्री की बेस्ट इनिंग मोर डिजर्विंग अदर टीम्स टू डू फॉर देम सही बात है जी प्रशांत साहब और बहुत ही बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है आपके हिसाब से अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए था मैच जीतने के लिए फील्डिंग का बॉलर बा, लगाने चाहिए थे दोनों उमर जई और उसको नवीन को लगाया ही नहीं वो बॉलिंग पूरे कराने के चक्कर में ओवर पड़ गया कि हम जल्दी जल्दी ओ भाई मैक्सवेल खड़ा हुआ तो वो ओवर क्या करेंगे ओवर कुछ नहीं करेंगे फील्डिंग तो बहुत खराब थी उससे बुरी बॉलिंग भी थी और हर बॉल पे छह या चार मार रहे थे मैक्सवेल फीलिंग बैड देखें जी आप आ, ठीक है वर्मा साहब अगर आप अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे तो यू मस्ट बी फीलिंग बैड बट अगर आप तगड़ी न्यूट्रल, न्यूट्रल थे या न्यूट्रल थे तो फिर भी आपको इस तरह की इनिंग्स की तारीफ किए बगैर आप रह नहीं सकते देखें कैच भी ड्रॉप हुए बॉलिंग भी लेकिन ये जो मैंने आपके सामने पॉइंट रखा था कि आप इस पिच पे फारूकी को नहीं आप बिठा सकते थे आप ये चिनाई की पिच तो नहीं है कि पे आपने चार चार स्पिनर ओवर है क्या हुआ क्या हुआ आखिरी ओवर में छक्का चौका चौका छक्का पूरे थ्रू आउट क्या राशिद ने इंपैक्ट क्रिएट किया वो इज अ चैंपियन बॉलर वो कहीं पे भी इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है नबी दस दस ओवर के लिए कर रहा था नबी कर रहा था आज रन रन दस, रन दस दस ओवरों दस 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 में नबी ने तीस तीस रन दिए आज दो, अवरों दो में दिए क्यों भाई ये चेन्नई नहीं है ये मुंबई में मैच हो रहा है पिच को देख के अपने इंग्लेवन बनाते हैं तो आपने चार चार स्पिनर घुसा दिए जिसका भी फैसला था कोच का था कप्तान का था वट एवर ये इनको बड़ा कॉस्ट किया दिखे दिखे स... कप्तान के ऊपर भी तो कोई पूछे ना ये हर दफा यही गड़ मारता है तो जो बेसिक आपकी बुनियादी गलती होती है वो कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट करने आ जाती है उसके बावजूद भी इकानवे ब्लंडर के बावजूद भी दे शुड हैव वन द मैच दे शुड हैव वन द मैच लेकिन भाई इट वॉज मैक्सवेल्स डे उसने कहा कि नहीं भाई मैंने छोड़ना नहीं बिल्कुल मैंने नहीं छोड़ना इनको ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया कुछ नहीं है जनाब वन साइड जीतेगा फाइनल ये प्रीतम साहब फिर टाइम ही बताएगा ऑस्ट्रेलिया इस जाट ऑफ क्रिकेट जाट मेरा जब जानिए जब पता नहीं क्या हो जी अमित सिंह साहब आप ने कुछ लिखा है तारीफ में ही मैं समझ गया तारीफ में लिखा है हफीज बोल रहा है कि विराट कोहली यार बात वो हो गई पुरानी यार अगली बात करो हफीज को छोड़ो हफीज क्या कह रहा है दूसरी टीम 83 पे आउट हो गई तो वो सेल्फिश कह रहा है तो उसका मतलब है वो आप वो जो उसको पता वो जो रमीज राजा को बातें करता कि जी रमीज राजा से ज्यादा के बेटे को पता क्रिकेट का तो फिर आप इस तरह की कमेंट करेगा तो फिर वो शायद उसके बेटे को ही पता उससे भी ज्यादा <laughs> अब क्या बोले उस उसपे दूसरी टीम तिरासी पे आउट हो गई है उस पर सवा तीन सौ डाल दिया कोहली ने सौ कर कर दिया वहां पे कमाल है यार ब्रेनलेस 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 बॉलिंग मैक्सिमम मैक्सिम मैक्सवेल वार स्ट्रगलिंग टू रीच आउट ड्यू टू हैमस्ट्रिंग स्टिल नो आउटसाइड फास्ट जी, आपके सामने जो भी हुआ नजारा ऐसे नज़ारे आपको रोज रोज नहीं मिलते, मिलते Some, an देखिये मैंने थोड़ी देर पहले बात की है अगर आपने कहीं गली मोहल्ले में भी क्रिकेट खेली है क्लब में खेली है कहीं किसी लेवल पे भी खेली आपको पता है कि आपकी दोनों टांगों का कितना अमल दखल होता है अमल दखल बड़ा होता है लेकिन भाई उसने खड़े-खड़े एक ही टांग पे वजन डाल के उसने शॉट मारे ऐसे शॉट मारे हैं बस और एक से बढ़िया एक एक से बढ़िया एक अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ विनिंग्स आई एम ओनली फेयर अबाउट द मैक्सवेल व्हेन ही गॉट टू चांसेस मिस्ड एलबीडब्ल्यू एंड कैच बहुत सारे लोगों आई सेड टू माय आई सेड टू माय फ्रेंड दैट ही विल फिनिश द मैच my, बस जी अब भी पहुंची हुई सरकार सारे है। लोगों ने कहा बाजी साहब शेख साहब बेस्ट दो सौ एक फखानवे कपल एक सौ पचहत्तर नहीं फखर का तो एक सौ तिरानवे जो है वो मैच तो नहीं जिताया ना उसने तो वो इस लिस्ट में तो फिर नहीं आता ना भाई मैच जिताने वाली बात है मैच भी जिताया और दो सौ भी किया एनीवेज़ यहाँ पे कोई विदाउट कंपैरिजन भी कभी तारीफ कर लिया करें सही बात है आज की पिच में नूर की जगह फारूकी बनता था ये रिजवान साहब ने शुरू में क्या दिया प्रयांकन सिंह साहब अब तो नतीजा आ गया रिजल्ट आ गया जाहिर है कि शायद कुछ बोल देगा लेकिन पहले दो चार ओवर देख के ये, ये नहीं, 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 आपने तो टॉस पे क्या दिया था कि ये गलती कर दी टॉस पे भी बोला और फिर जब दो तीन ओवर फेंके इन्होंने अंडर लाइट्स इतना इतना गेंद सीम और स्विंग हो रहा था कुछ उनको ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रही थी हेड गया वो कैसे बोल्ड हुआ है? वो वार्नर वो गया कुछ भी नहीं समझ आ रही थी और शुरू के वो ओवर्स में गेंद पुराना हो गया कान काम खत्म हो गया बाद फिर उन्हीं बॉलर्स को चौके चक्के भी लगे तो यहां पे स्टेज में स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं स्पेशलिस्ट एंड देवर मिसिंग विश्व जीत कह रहे हैं रिज एंड मोसन बोला था दुम्बा बना देगी जनाब ऑस्ट्रेलिया दिस इज येलो गोल्ड है ये और मैक्सवेल ने फोड़ दिया आज तो मान जाओ जी मोसन साहब तो जी मान जगह मोसन साहब ऑस्ट्रेलिया का तो जाहिर है कोहली तो ने कोई स्टोरी नहीं लगाई तो है लगाई है हालांकि मेरे पास चलो नहीं लगाई लगाई है ये सबसे बेहतरीन इनिंग्स विश्वास विश्वास सेठ साहब थैंक यू शुभंकर दास सेल्फ इंटरेस्ट इंटर इंटरनल जेलिसी ओवर कॉन्फिडेंस अफगानिस्तान मुजीबेल ये, ये आपने कौन सी थ्यूरी निकाली है भाई जन वो क्यू नूर से उसको नूर एक बच्चा है मुजीब एक बड़ा और ऐसा क्या है छोड़ के हर कोई अभी मुजीब का जो हाल हुआ होगा आपकी सोच है नहीं भाई ऐसी नहीं होती जाले मैं नहीं मानता ये बात इस तरह की इस तरह की बातें सिर्फ गली मोहल्ले में शायद हो सकती हैं इंटरनेशनल वो मुजीब फील्डर ही ऐसा फील्डर ही ऐसा है वो कई दफा कैचेस छोड़ता है ड्रॉप मिस फील्डिंग करता है जितेंद्र सिंह इज हेयर विद अस हेलो सर हाउ आर यू गेम इज ऑन नाउ एंड गुड लक फॉर द पाकिस्तानी मैच आई हैव अ रिकॉर्ड व्हेनेवर आई मैसेज यू पाकिस्तान नेवर लूज़ Always wins and Maxi, what a player. He is good. He is is good. good luck. तो तो थैंक यू जितेंद्र साहब देखें जी जो बात दिल में हो वही बात करनी चाहिए सुबह के वीडियो में मैंने कहा कि पाकिस्तान का चूंकि इंटरेस्ट इसमें है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए तो मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए तो अब चूंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं होता तो फुल बैकिंग मेरी अफगानिस्तान के साथ ही होती जो बात है सीधी सी अब मैं दिल में चाह रहा हूं कि जीते ऑस्ट्रेलिया क्योंकि अफगानिस्तान अगर जीत जाता तो पाकिस्तान के चांसेस और कम हो जाते हैं अब पाकिस्तान हालांकि जैसे भी क्रिकेट खेला है अच्छी खेला बुरी खेला बहुत घटिया खेला हालांकि अच्छी नहीं खेला एक आधे मैच में अच्छा खेला है लेकिन अभी भी चांस किसी ना किसी तरीके से हल्का फुल्का बना हुआ है तो उसके लिए अगर आज अफगानिस्तान जीत जाता अगला मैच जीत जाता हमारे पास कोई चांस ही ना रहता तो मैं चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया जीते और जब पाकिस्तान का बीच में कोई इंटरेस्ट लिंक नहीं होगा तो ऑब्वियसली आई विल सपोर्ट अफगानिस्तान तो मैच आज जो है वो जिसका नतीजा ये जो आया ऑस्ट्रेलिया जीता है तो उसके बाद ये जतेंद्र सिंह साहब आपने जो बात लिखी है अब हाल जो है वो काफी कुदरत का निजाम जो है वो उस तरफ जाना शुरू हो गया अब देखें पाकिस्तान आठ पे अफगानिस्तान आठ पे न्यूजीलैंड आठ पे अफगानिस्तान का रेट जरा नीचे है काफी पाकिस्तान का प्लस में है लेकिन न्यूजीलैंड से काफी पीछे है अब इन तीन टीमों में से कोई एक जाएगी सेमीफाइनल में और चांसेस अभी भी वैसे है कि जैसे मैंने आपसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से पहले कहे थे न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा फिर पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान अफगानिस्तान तो आग आग तो अब ना होने के बराबर हो गया नहीं चांस है उसका अगर न्यूजीलैंड वाला वॉश आउट हो जाए या हार ही जाए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का गारंटी तो नहीं है कि हंड्रेड जीत गया है इंग्लैंड से तो अगर अफगानिस्तान अपना मैच अगला जीत जाता है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अपने अपने मैच हार जाते तो

कि बारिश के काफी ज्यादा चांसेस है वहां पे और दे इज पॉसिबिलिटी के वॉश आउट हो जाए एक एक पॉइंट निकल जाए उधर और उधर इन दैट सिनेरियो जो भी अगर अफगानिस्तान हरा भी देता है साउथ अफ्रीका को नेट रन रेट बहुत अच्छा भी कर लेता है तो पाकिस्तान दे वुड बी इन अ पोजिशन टू नो एग्जैक्टली करना क्या है क्या हमने क्या करना है क्या सिर्फ मैच जीतना ही काफी है या जितने भी मार्जिन से जीतना है तो उनका मैच आखिरी है न्यूजीलैंड का भी परसों मैच है हो जाएगा और उसके एक दिन बाद दस तारीख को अफगानिस्तान का भी मैच हो जाएगा हमारा मैच है ग्यारह को तो तब हमें पता होगा एग्जैक्टली हमने करना क्या है। तो कुदरत का निजाम इंटैक्ट चल रहा है हमारी होप्स भी साथ साथ इंटैक्ट चल रहा है लाएगे, लाएगे, लाएगे। बाकी देखे हमारी टीम ये बिल्कुल मैं मानता हूँ पांचवे छठे नंबर की टीम है हमारी ऊपर की भी नहीं है और बहुत बॉटम वाली बॉटम वाली तो फिर देख रहे हैं ना आप जिस तरह ने खेला है श्रीलंका बांग्लादेश नदरलैंड इवन इंग्लैंड ये डेढ़ सौ से जीतते हैं तो पाकिस्तान दरमियाने लेवल की टीम है पांचवे पे रख लें छठे पे रख लें लेकिन अभी तक वो बने हुए हैं किस कुछ भी कर कर आके कुदरत का निजाम है कि अभी तक चांस है बीच में तो जितिंदर साहब आप बेस्ट विशेष कह रहे हैं हमें तो थैंक यू वेरी मच बस अभी एक दो मैचेस अगर उसी तरह चल जाए जिस तरह का मैंने बताया है, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो सकता सही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल बिल्कुल हो सकता ग्रैंड मैक्सवेल कॉन्फिडेंस इज़ गुड टू हैव है बहुत सही बात आपने नोट किया कि दे स्टार्टेड टू सेलिब्रेट दे दे वर ओवर द मून दे नेवर थॉट फॉर अ वाइल कि दिस गाय कैन टेक द मैच अवे फ्रॉम अस एंड ही डिड द राइट ही डिड एग्जैक्टली दैट देखें ये बात तो कई दफा एम एस धोनी ने भी प्रूव की ना बंगालियों को नेवर सेलिब्रेट अंटिल इट्स ओवर वो एक दो दो रन रहते थे वो बांग्लादेश वाले 2016 के वर्ल्ड कप में टी20 में दे वर पंचिंग इन एयर दे वर सेलिब्रेटिंग वो हुआ ये, एक आउट आउट दूसरा और, तीसरा रन आउट एक घर से मैच आ रही। तो पहले कभी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए तो आपकी बात बिल्कुल सही है वो रिव्यू लिया वो मैक्सवेल का वो थोड़ा सा ऊपर गया मतलब सारे इकट्ठे हुए नजर आ रहा था कि अफगानिस्तान वाले उन्होंने सोच लिया के जीत के बट मैक्सवेल इज मैक्सवेल यार मैं सच्ची बात है मैं ईमानदारी से चाहता था कि अफगानिस्तान जीते क्योंकि ये डिजर्व करते थे जिस तरह की इन्होंने विक्ट्रीज ली थी और ये बेशक पाकिस्तान बाहर हो रहा था लेकिन मैं चाहता था कि यार इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है पर आज इन्होंने अपने खुद निवाला निकाल के पानी फेर दिया में रख के पेश कर दिया आप अगर कोई कहे कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता फिर वो ज्यादा करेगा नहीं अगर पाकिस्तान के पास चांस होता है वो इंग्लैंड को अच्छे मार्जिन से हरा देता है तो फिर कोई कहता रहे कि नहीं डिजर्व करता अब पे सात आउट है।, है एक बंदा दो सौ कर गया है एक टांग पे खड़े होके तो अगर जिस टीम से नहीं रेस्ट्रिक्ट तो वो फिर कैसे ज्यादा डिजर्व कर रही है तो ये आपसे मैंने कई बार ये कह चुका हूं ये रेस है और रेस जाके खत्म होगी नौ मैचों के बाद सही बात शुरू में न्यूजीलैंड बहुत तेज भागा

नौ मैचों के बाद फिर पता चल बड़ा अच्छा है कि देखें अभी भी आ, तीन चौथी प्लेस के लिए हैं। आ, और देखें उस दिन जब न्यूजीलैंड हारा ना साउथ अफ्रीका से 190 नब्बे रन से तो आपसे मैंने अर्ज किया था कि दोस्तों वर्ल्ड कप में जान पड़ गई अब देर इज एवरी पॉसिबिलिटी इंडिया और नीदरलैंड का मैच तो चले वो तो शुगर मेले वाला ही है पाकिस्तान और इंग्लैंड वाला जो मैच है ग्यारह तारीख वाला देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो मैच डिसाइड करे कि सेमीफाइनल किस टीम ने खेलना है सही बात आइदर न्यूजीलैंड आइदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो अभी भी वो बात वहीं पे रुकी हुई है कि ये वो मैच डिसाइड करे कि कौन जाएगा आगे तो आप खुद देखें इंटरेस्ट कैसा डेवलप हुआ है पटेल जी कहना आप कपल

अब वो जीत गया अफगानिस्तान से आपका कप्तान आपकी बॉलिंग आपके आपकी टीम में देखें एक दो सौ एक, एक कर गया दो, दो सौ ऑस्ट्रेलिया देखें, देखें, ने सेंसिबल क्रिकेट खेली नहीं शुरू के ओवर में आपने चार मैच हुए मुंबई में जब आप चेस कर रहे होते हैं किसी के तीन आउट है किसी के चार आउट है किसी के पांच आउट है छह आउट है पहले दस ओवर में तो इनको थोड़ा प्लान करके जाना चाहिए था कि पहले ओवर में गेंद बड़ा जादू दिखाती है वो पीरियड हम निकालें और इन्होंने हंसते खेलते चेस कर लेना था इतने ड्रामाबाजी की जरूरत ही नहीं होनी थी सही बात है एंड पे पे आपने देखा गेंद भी अच्छा बल्ले आ रहा है और आउटफील्ड बड़ी फास्ट है और जो बल्ले पे गेंद आ रही है वो बाहर ही जा रही है सही बात है ना स्पिनर्स को बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिली है तो ये आराम सुकून से चेस कर सकते थे लेकिन इस तरह का फिर ड्रामा कैसे मिलता देखने साहिल धानी ना ड्रामा इमोशन थ्रिलर Suspense, entertainment, all in one innings. The man, the myth, the monster, absolute beast. Coming plate, captain innings. Love you, boys. Yar, Khuda ke liye yar. Yar Maxwell kya likhne ki chahiye? I am waiting for Maxwell. When will he come? Yar, kya likh rahi hai yar aap? Itne pyare jumle likhe aap ne kamiz dal diya yar. Ah, today's match just like Rohit Royalty film script.

मोहसिन जी आपने कहा था कि इनकी फील्डिंग पे ध्यान दें आ कोई वरना किसी मैच में कोई कैच मैच छोड़ मैच छोड़ने के देंगे पैथेटिक कप्तानी बॉलिंग भी देखिए बात यह है कि हमारे दोस्त।, दोस्त जो है ना वो पाकिस्तान को डाउन करने के चक्कर में हमें दोनों को चलें इनका तो देखें इनका तो एक मोटो है कि his mood depends and swings on pakistan's results

बहुत अच्छा खेले और गॉड देखे ऊपर वाला कुछ और फैसला करके बैठा हुआ मैं और आपके चाहने ना चाहने ये मैच कोई टीम मैं आपको चैलेंज करता हूं इक्नवे पे सात से मैक्सवेल फुली फिट हो लंगड़ा भी ना हो रहा हो उसको क्रैम्स भी ना हो कुछ भी ना हो फिट हो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 91 से पे ये जीत के दिखा दे मैं मान जाऊंगा ये तो भाई वंस इन अ डेकड बीनी वंस इन अ जनरेशन वंस इन अ सेंचुरी वाली एनर्जी अनबिलीवेबल और वो जब 30 35 रह गए ना चौके छक्के मारा था उसके डगआउट में स्टॉइनिस ने मुंह पे हाथ रखा हुआ ये क्या हो रहा है बाकी जो आउट हो गए बाहर जाकर की तशरीफ ले जा चुके थे एन स्मिथ कहता है अफगानिस्तान वहीं से हार गया जब इन्होंने बगैर जीते हुए सोच लिया हम जीत नहीं बिल्कुल सही कहा ये, ये बात सच्चा रिजवान साहब ये शिव जी कह रहे हैं आई थॉट द लक विल हेल्प अफगानिस्तान टू गेट इन सेमीस बट दे आर देमसेल्व्स किकिंग देयर लक मेन कल्प्रिट इज अफगानिस्तान कैप्टन नो सेंस ऑफ गुड यस यस कोई सेंस नहीं है जी बिल्कुल सच्चा जी रिजवान साहब इसमें एक इंच झूठ नहीं है इनक्रेडिबल मैक्स ठीक हर सॉफ्ट टू 12 रन 12 रन और 202 की पार्टी

सब कह रहे हैं कि जनाब आम रेसलिंग वी कॉल विनिंग फ्रॉम पेंड पोजीशन ये खुद आम रेसलर है इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं तो पेंड पोजीशन से जनाब अभी बैंक में मैनेजर है मॉडर्न डे कपिल देव 83 थ्री इनिंग्स मैक्सिम मैक्सवेल जनाब ठीक है जनाब शेरी साहब निकित कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया शो टूडे दैट मैच कैन बी वोन एवन ऑन स्लो पिचिस इंडिया विल हैव टू बी अवेयर That Australia will give them the good fight. Achai, you guys have made up your mind that uh, Australia has reached the final. South Africa is a little baby boy and uh, Australia will thrash them. Eh? Time on it. Warner from 10 to 160 plus and Maxwell from 33 to 200. Cash drop. Ji,

you never know with the taliban just uh, a precaution warisan uh, like always so close yet so far ji rohit mundra saab nahi aisa to nahi hai qudrat ka nizam hai ji when pakistan won this against new zealand chasing 400 qudrat ka nizam in australia from 91 to 7 qudrat ka nizam new zealand lose to sri lanka on dl method again qudrat ka nizam will pakistan winning against इंग्लैंड पार्क प्लेइंग सैमीज नोट दिस रहमान साहब कह रहे हैं जी नोट कर लिया सर खुदरत का निजाम मेरी जान कोहली कुछ सीखे मैक्स्व से हां चलो जी ये भाई भाईजान ये पॉल साहब आपको ये क्या है आईडी बनाई है ये क्या चक्कर है आपका मेरी टीम दिखास जानदी है हैं मराठा पान दिखा आ जानदी है सम... ऐसा ही है uh, कभी नहीं देखी ऐसी इनिंग्स हर्ष गुप्ता साहब मौसम भाई एशियन प्लेयर्स कब ऐसा खेलेंगे गुड शो यार नहीं देखे ऐसी बात नहीं है एशियन प्लेयर्स अभी आपको मैंने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच आउट थे दो रन पे

World Cup reserves. If India doesn't reach, a uh, no team can beat Australia in final. Australia will steamroll any other team. ठीक है नहीं सही है. और तारिश अकरवाल का जो my friend said अच्छा हुआ अफगानिस्तान नहीं आए because it would reduce excitement and TRP. Don't these teams deserve to be? I don't like his uh, mentality. नहीं देखेंगे ये TRP क्या आता है यार तारिश अकरवाल से आ uh,

तो अगर जीत जाएंगे यहाँ से और अगला भी तो दे डिजर्व तो जब एक टीम डिजर्व करती है तो फिर आपको अच्छा लगे बुरा लगे टीआरपी मंजिल काफी, थी, फिर भी हो काफी दूर। ये है क्रिकेट, का निजाम वेल वेन पाकिस्तान और भाई आप एक ही मैसेज को लगे हुए थक भेजने आपने हमें आपका जो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी इंटरटेनमेंट गेमिंग साहब जिगर गाला जी कहने हैं सर आई फेल्ट दैट मैक्सवेल प्लेड विदाउट प्रेशर आफ्टर हाफ चांसेस एंड ड्रॉप्स सही बात है सही भाई उसका क्या छूटा प्रेशर लेते ही नहीं है भाई यार उसका क्या छूटा ना मुजीब से आप देखें उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखें ऐसे दिखता है ऊपर बस दैट्स इट आई एम गोना अटैक आई विल गो आउट अटैकिंग और वो अटैकिंग ही खेला बस, रुका ही नहीं ही मेंटेन हिज फ्लो

बस जी पेसर भी रह गए थे भी रह रह सारा काम रह गया मैक्सवेल गा, फिर चौके से छके रह गए बस जी बक्शिया पी मार तो मैक् वैसे एशियन ही नहीं है। उसकी बेगम भी इंडियन है, आपस की बात है बेगम इंडियन है तो वो एशियन कैसे हो गया भाई? भाई जैसे आप नहीं मैं तो पाकिस्तानी हूं भाई <laughs> हो जाएंगे ना तो ऐसी जनाब अनबिलीवेबल इनिंग्स पता नहीं कब दोबारा देखने को तो मिलेगी Once in a lifetime, full पैसा वसूल जिस तरह वो खेला है तो अब दोस्तों पॉइंट टेबल पे तीन टीमों के सामने क्यों लिखा हुआ आ चुका है इंडिया टॉप पे रही है, है। साउथ अफ्रीका उसके बाद नीचे है और फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया उस् और एक मैच साउथ अफ्रीका का है अफगानिस्तान से हारे भी वो तो फर्क उनको नहीं पड़ता वो हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड और ऑस्ट्रेलिया अब वो अगला मैच जीत भी जाएंगे तो इट इज सर्टन इंडिया ने देखा कैसा इनके खिलाफ रन रेट भी और मॉरल डेंटिंग साउथ अफ्रीका की थी दो सौ तरतालीस वो देखे कहा इनका था दो से ऊपर ये नीचे आके नहीं। तो आप दो सौ आएंगे ना अब अफ्रीका मैच हारे जीते अब वो क्वालिफाई कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया मैच हारे जीते वो क्वालिफाई कर चुके हैं और मोस्ट लाइक इंडिया बेशक बच्चे खिलाते हैं वो नंबर वन पे ही हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं और इंडिया तो पहले नंबर पे फिनिश करेगा और साउथ अफ्रीका इंडिया के 16 पॉइंट है ना 8 2 16 मैक्सिमम जो लेंगे टीमें वो 14 ले सकती हैं तो आप समझ लें कि एक सेमीफाइनल तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कंफर्म हो गया है क्योंकि आप कोई भी टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है वो चौथे पे आएगी वो चौथे पे ही आएगी 12 तो पॉइंट टाइम के वो चौथे पे आएगी ऑस्ट्रेलिया और साउथ और अफ्रीका पहले पे जा नहीं सकते ये पहले पे जा नहीं सकते और जो चौथे नंबर पे फिनिश करेगी वो, वो तीसरे तीस... दूसरे पे तीसरे, आ नहीं दूसरे पे आ नहीं सकती तो ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका दे वुड बी अप अगेंस्ट ईच अदर एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्लैश न्यूजीलैंड स्लैश स्लैश अफगानिस्तान तो अब ये सेमीफाइनल अच्छा रिजवान साहब ने अचानक ही बड़े धीरे और और बड़े चतराई से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से आगे किया न्यूजीलैंड का पीछे किया मेरा तो दिल था कि उधर बस अफगानिस्तान को वहीं रखा हुआ है ये इनकी बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने तीसरे से दूसरे में पाकिस्तान को नहीं पाकिस्तान को दूसरे से पहले में अरे देखिए वाह 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 अब तो चलो ठीक है हार गया अफगानिस्तान और बात है आ, लेकिन उनके चांस थे भी कम ही मैच बड़ा अच्छा था बेहतरीन था जीत जाते यू नेवर नो लेकिन अब वो अगला मैच जीत के भी आ, नेट रन बहुत ही खड्डे में बड़ा हुआ तो उनके सबसे कम चांस है मैच अगर उस दिन हो जाता तो सबसे ज्यादा चांस न्यूजीलैंड या हो जाएगा अगर और अगर वो जीत जाएंगे तो न्यूजीलैंड के अभी भी सबसे ज्यादा चांस सही बात कि वो चौथे नंबर पे चला जाए लेकिन जैसे कि इतलात है कि बारिश ठीक ठाक है नहीं श्रीलंका हरा देगी न्यूजीलैंड को जी आप टेंशन ही हरा दे तो फिर तो काम ही सीधा हो जाए फिर आपने है। नहीं जा रहा है तो हराना ही है <laughs> काम सीधा तो होगा फिर काम सीधा हो जाए यानी कि सामने पता हो कि सिर्फ मैच जीतना है एंड दैट्स इट तो बड़ा सिनेरियो शानदार हो गया है दोस्तों और मैचेस जो है वो अब जा रहे हैं जनाब कम से कम एंड पे जा रहे हैं जा रहे हैं अभी कल वाला मैच इंग्लैंड और नेदरलैंड का है वो थोड़ा हल्का मैच है उसका ये चैंपियंस ट्रॉफी का उनका इंटरेस्ट है तो मैं तो चाहता हूँ इंग्लैंड में अगर कल ही जीत जाए ताकि हमारे खिलाफ वो थोड़ा हल्के पैशन से आए कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब हम पहुंच गए <laughs> पहले ही पहुंच गए तो इंग्लैंड और का मैच है परसों फिर वो वाइटल मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला उससे अगला मैच जो है वो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका फिर पाकिस्तान फिर और वो एक दिन में दो मैच हैं सुबह वाला ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच होगा फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच पाकिस्तान का सुबह नहीं डाल दिया हाँ तो अब टेक्निकली एक दो तीन चार पाँच छः ग्रुप मैचेस रह गए हैं और पाँच दिनों में ये सिलसिला निपट जाएगा और फिर सेमीफाइनल लाइन पूरी हो जाएगी और फिर तेरह और चौदह तारीख को ऑफ डे है पंद्रह को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा और सोलह को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा सत्रह और अठारह को रेस्ट होगी और फिर उन्नीस को ग्रैंड फाइनल खेला जाएगा तो हम बिल्कुल इख्तिताम की जानी बाहर हैं नौ मैच रह गए हैं वर्ल्ड कप के और हमने भरपूर इंजॉय किया और एंड के मैचेस में जान पड़ गई है बहुत ही बेहतरीन और शानदार आई होप आपने भी पूरा भरपूर इंजॉय किया होगा आज का मैच और बाकी अभी मैच मौजूद हैं और आप आई होप इसी तरह इंजॉय करते रहें और अलेवन परसेंट विंग प्रिंट दिखा रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए

अपना लाइक एंड सब्सक्राइब आप ही ने करना है कोई बाहर से नहीं आएगा लव यू टेक केयर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत लेकिन देखे हीट ऑफ द मोमेंट होती है मेरा का मकसद नहीं होता किसी को ऐसी छेड़ना लेकिन आप देखें गलत मैं हो सकता हूँ लेकिन ये तो नहीं कोई तरीका होता बंदा किसी की उम्र का ख्याल करता था। ठीक है दोस्तों ख्याल रखो अपना मिलते हैं आपसे कल लव दिया आपने भी नहीं किया नहीं, ये करते ही नहीं है छत हजार टोटल लाइक की छह सात हजार तो अरे न्यूजीलैंड मैच में रेन है एंड इंडिया विल इजिली बीट इंग्लैंड इंडिया वर्सेज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इन इंग्लैंड हाँ तो हाँ ठीक है वो इंडिया डोंट स्ट्रेंथ चलो तो ये तो वक्त ही बताएगा भाई जन आप अपनी टीम को रहे हैं अब इस पे हम क्या कह सकते हैं आप खुद ही आपसे लव यू यूर बाई है